दोस्तों, कुल्हड़ बनाने का जो बिज़नेस है वो आपको कैसे शुरू करना है घर से, और सर का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी हमें दिखाएंगे, और आपको अपने घर से कैसे शुरू करना है, क्या क्या मशीनरी लगती है, रॉ मटेरियल क्या लगने वाला है, उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कितनी रहने वाली है बिज़नेस शुरू करने के लिए, और प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा एक कुल्हड़ के पीछे, मार्केटिंग कैसे करनी है कुल्हड़ की, वो भी सर हमें आगे टिप्स भी बताने वाले हैं। तो पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन रहने वाली है कुल्हड़ बनाने के बिज़नेस। कुल्हड़ बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मेन चीज़ है वो है मिट्टी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी मिट्टी है, ये मिट्टी आपके आसपास के एरिया में भी आपको मिल जाएगी। हमारे पास ऐसी टेक्निक है जिससे कि आपके एरिया में जो भी मिट्टी अवेलेबल है उस मिट्टी से हम लोग कुल्हड़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं और कुल्हड़ बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये हमारी रॉ मिट्टी है, इस रॉ मिट्टी को सबसे पहले इस मशीन में डाला जाता है, जिससे कि आप देख रहे हैं कि ये जो मोटे मोटे मिट्टी के डले हैं ये इस मशीन में जाते हैं। इस मशीन के अंदर जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ से पिसी हुई मिट्टी, जो छोटे छोटे कण हैं, वो मिट्टी इस रूप में आपको मिलेगी। आप जैसे कि आपने देखा कि इस मिट्टी को हमने यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से पीस लिया है। पीसने के बाद फिर हमारी इस मिट्टी में छोटे छोटे ऐसे पत्थर रह जाते हैं जिनको हमको निकालना होता है, तो हम उसको इस छालने की मदद से ऐसे निकालते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे कंकर हैं ये बाहर ही रह गए हैं, और फाइन मिट्टी हमें इस तरीके से मिलती है। अब ये मिट्टी पूरी तरीके से तैयार है हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसमें कोई कंकड़ कुछ भी नहीं है। जो हमारी रिफाइन मिट्टी थी, अब उस रिफाइन मिट्टी में हम थोड़ा सा पानी मिला के इस तरीके से मिलाने के बाद में पैरों से उसकी गुंदाई करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे हमारी वो गुथी हुई मिट्टी है, उस गुथी हुई मिट्टी को पैर से पूरी तरीके से नहीं गूंथ पाते हैं, इसीलिए ऐसे छोटे छोटे लम्स बना के हम लोग इस मशीन में डालते हैं। इस मशीन को पगमिल कहते हैं, जिसका काम मिट्टी को और अच्छी तरीके से मिक्स करने का होता है और मिट्टी में चिकनापन लाने का होता है। जैसे ही आप इस मशीन के ऊपर यहाँ पे मिट्टी डालेंगे, वैसे उस मशीन के मुंह से आपको मिट्टी निकलती हुई दिखेगी। जैसे आप इस मशीन में यहाँ पे से मिट्टी डालेंगे, पूरी तरीके से जो हमारा कुल्हड़ बनाने का जो प्रोडक्ट बनाने की जो मिट्टी है अब कंप्लीट 100% तैयार हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि ये मशीन का मुंह है, हम वहाँ से मिट्टी डाल रहे हैं और यहाँ से कैसे मिट्टी निकाली जा रही है। तो अभी आपने देखा कि जैसे हमने वहाँ पे मिट्टी मिक्स कर दी है, वो मिक्स की हुई मिट्टी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ मिट्टी रख दी है, अब इस मिट्टी से कुल्हड़ बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये मोल्ड है। ये मोल्ड साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जिस साइज़ का आपको कुल्हड़ बनाना है उस साइज़ का मोल्ड आपको लगेगा। हम आपको बता रहे हैं कि ये 10 रुपये वाली चाय जिसमें बिकती है ये वो वाला मोल्ड है, ये 25 रुपये की जो चाय लोग बेचना पसंद करते हैं या कॉफ़ी बेचना पसंद करते हैं उनके लिए है। ये मोल्ड सर्दियों, जैसी सर्दियाँ आ रही है तो उसके लिए दूध, या फिर अभी गर्मियों में लस्सी के लिए काम में आता है, और जो केसर दूध होता है, जो दूध केसर दूध होता है उसके लिए ये वाला मोल्ड काम में लिया जाता है। अभी जो हम आपको लाइव प्रोसेस बताने वाले हैं उसके अंदर 10 रुपये की चाय का कुल्हड़ कैसे बनाया जाता है वो हम दिखाएंगे, बाकी सबका प्रोसेस सेम रहता है, सिर्फ मोल्ड अलग होते हैं। ये हमारी कुल्हड़ बनाने की एक छोटी सी मशीन है जो कि घर की बिजली से भी आप इसको चला सकते हैं, और पूरी मैनुअल है। इस मशीन को लोकल लैंग्वेज में जिगर भी कहा जाता है, ये जिगर के ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम हेड कहते हैं। जिस भी साइज का आपको कुल्हड़ बनाना है उस मोल्ड को ऐसे लेना है, हेड के इस पार्ट में ऐसे रखना है। मोल्ड डालने के बाद हम लोग मशीन चालू करेंगे, अब आगे का प्रोसेस देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस मोल्ड के अंदर मिट्टी डाली जा रही है, ऊपर से हैंडल को दबाया जा रहा है और कुल्हड़ बनके तैयार हो रहा है। ये आप कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक कुल्हड़ डाला जा रहा है, ऊपर से हैंडल आप दबाए जा रहे हैं और आपका कुल्हड़ बनके तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इस बिज़नेस के बहुत अच्छे और बहुत बड़े एडवांटेजेस के बारे में बताता हूँ। ये जो बिज़नेस है, एक तो सबसे बड़ी बात है GST फ्री है, इस पर कोई GST नहीं लगता है। GST निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सरकार GST नहीं लेती है। और दूसरी बात कि यह बिजनेस कैश का बिजनेस है, इसमें कस्टमर आपको खुद आगे होकर कैश देगा कि कैश लीजिए और मुझे माल दीजिए, क्रेडिट का कोई काम नहीं है। इसकी डिमांड 12 महीने ही रहती है, ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, 12 महीने ही लगातार डिमांड आती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा फंटा सारे मोल्ड के अंदर मिट्टी जा चुकी है, कुल्हड़ बन चुके हैं, पर ये कुल्हड़ अभी अधूरे हैं, अभी इनको हम सूखने के लिए छोड़ेंगे, अब ये कुल्हड़ अपने जगह पे जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये पूरा हमारा एक रैक है जहाँ पे अलग अलग फंटों पे हम लोगों ने बहुत सारे मोल्ड जमा रखे हैं, कुछ मोल्ड खाली हैं और कुछ मोल्ड भरे हुए हैं। जैसे कि हमने अभी भरा हुआ फंटा अंदर रखा, अब हम खाली वाला फंटा
निकालेंगे और वापस उसको जिगर के साइड में रखेंगे ताकि हम इससे और कुल्हड़ बना सकें। और यही प्रक्रिया डालने की और निकालने की चलती रहेगी और हमारा कुल्हड़ का प्रोडक्शन चलता रहेगा। ये जो मोल्ड में हम लोगों ने मिट्टी डाली है जिससे कि हमने कुल्हड़ बनाया है, ये इसको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं सूखने के लिए। अभी 2 घंटे के सूखने के बाद आप देख सकते हैं ये कुल्हड़ थोड़ा सा श्रिंक हो गया है, इसका ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा अंदर चला गया है। अब सूखने के बाद ये कुल्हड़ कुछ ऐसा दिखता है। अभी भी ये कुल्हड़ पूरी तरीके से मार्केट में सेल करने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी इसमें बहुत सारा मॉइस्चर है और फिनिशिंग बाकी है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में इसकी फिनिशिंग कैसे की जाती है। कुल्हड़ के सूखने के बाद हम इसको ऐसे फंटे पे जमा लेते हैं। अब उस कुल्हड़ की फिनिशिंग अच्छी तरीके से हुई नहीं थी ऊपर की किनोर की, अब हम आपको बताते हैं कि इसकी फिनिशिंग कैसे की जाती है। ये क्या है सर? अभी जैसे आपने ये देख लिया कि ये जैसे इन्होंने इस कपड़े की मदद से इसके ऊपर के मुँह को घिसा, इससे कि आप जब चाय पिएँ या कुछ भी इसमें पियेंगे तो आपके मुंह पे ये किनोर नहीं लगे। अब फिनिशिंग करने के बाद इन सभी फंटों को इस तरीके से रैक में जमाया जाता है। रैक से इनको यहाँ पे फिर एक दिन सुखाया जाता है। सुखाने के बाद अब हम लोग इसको नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाते हैं। तो दोस्तों, जो लास्ट और फाइनल प्रोसेस है हमारा, कि जैसे कि आपने देखा था कि हम लोग कुल्हड़ को फिनिश करने के बाद में एक दिन के लिए हम लोग उसको सुखाते हैं, फिर सूखने के बाद हम इस तरीके की ऐसे भट्टी बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक भट्टी का प्रोटोटाइप है। ये यहाँ पे जो आपको होल्स दिख रहे हैं, जो छेद दिख रहे हैं, इसमें हम लोग लकड़ियाँ डालते हैं और यहाँ पे ऊपर पूरी तरीके से कुल्हड़ को जमाया जाता है। ये पुराने ज़माने की जैसी भट्टी है, इसको हम लकड़ी से जलाते हैं, इसीलिए कुल्हड़ में चाय पीने का स्वाद ज़्यादा आता है। ओके, तो सर अभी भट्टी में क्यों डालना पड़ता है वापस सूखने के बाद भी? तो अब आप जैसे सब जानते हैं कि ये कच्चा कुल्हड़, इसमें आप चाय डालेंगे तो ये टूट जाएगा, तो इसको हमको पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी को पकाने के लिए हम लोग इस तरीके की भट्टी बनाते हैं। जैसे कि आपको पता है ये हमारे कच्चे कुल्हड़ हैं, हम उनको इस भट्टियों में डालते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरी तरह से पकने के बाद ये कुल्हड़ किस तरीके से दिखता है। सर ये क्या होता है ऊपर का कवर जो है, ये व्हाइट कलर का? ये एक तरीके की रुई है, हम इसको सिरामिक वूल कहते हैं। ये इसलिए यूज़ की जाती है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो लॉस ना हो और अच्छे से अच्छा कुल्हड़ पक सके। क्योंकि ये भट्टी अभी गर्म है इसलिए मैं ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कोई हानि ना हो। तो आप देख सकते हैं जो हमने कच्चा कुल्हड़ डाला था उसको पकाने के बाद, क्योंकि अभी कुल्हड़ बहुत गर्म है मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल किया है, अब ये कुल्हड़ पूरी तरीके से मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। अगर आपको आपके ब्रांड का या किसी और के ब्रांड का कुल्हड़ बनाना है तो आप बना सकते हैं। आप तो जैसे कि आपको पता है आज के टाइम में कितने बड़े बड़े ब्रांड्स चाय के आ चुके हैं, तो उनको आप ये कुल्हड़ बेच सकते हैं। नाम का कुल्हड़ है, आप किसी भी ब्रांड का कुल्हड़ बना सकते हैं। 50 ml से लेकर 300 ml तक का कुल्हड़ हम बना सकते हैं। तो सर अगर हमारे व्यूवर्स छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने एरिया में लगाते हैं और कुल्हड़ बनाते हैं, तो एक कुल्हड़ बनाने की जो लागत है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती है, और जब वो मार्केट में सेल करेंगे किसी को भी, डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाय वाला हो, किसी को भी, तो वो कितने तक बेच सकते हैं, मुनाफा कितना होगा वो ज़रा बताइए। तो अभी मैं सबसे पहले बात करता हूँ जो मार्केट में सबसे ज़्यादा कुल्हड़ चलता है, हमारी 10 रुपये की चाय के लिए जो बिकता है, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 80 पैसे से लेकर 90 पैसे के बीच में आता है। अच्छा, और सब कुछ मिलाकर हाँ। और ये कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके वहाँ का लेबर कैसा है। अगर आपके वहाँ का लेबर सस्ता होगा तो और सस्ता हो सकता है। अब यही अगर मैं बात करता हूँ इसी कुल्हड़ को मार्केट में बेचने की, तो यही कुल्हड़ कस्टमर को, डायरेक्ट कस्टमर को 1.5 रुपये में बिकता है और डिस्ट्रीब्यूटर को 1.30 रुपये से लेकर 1.35 रुपये में बिकता है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास डायरेक्ट चाय वाले आते हैं तो आप उनको कस्टमर रेट लगा के बेचें। अगर कोई चाहता है कि बल्क में काम करना चाहता है आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर की रेट लगा के बेचें। तो वो महीने के कितना कमाई कितना कर सकता है, दिन का, महीने का? जो हम आपको सेटअप देने जा रहे हैं या जो सेटअप हम आपको देंगे उसके अंदर आप रोज के 10,000 पीस से लेकर 12,000 पीस रोज बना सकते हैं, जिससे कि अगर मैं पकड़ता हूँ 50 पैसे भी अगर आपको एक पीस पे बचते हैं तो अनुमानित मिनिमम से मिनिमम आपको 5,000 रुपए रोज का मुनाफा होगा। अगर हमारे व्यूअर्स को ये कुल्हड़ बनाने का बिजनेस शुरू करना है तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? सर अगर मैं पूरे इन्वेस्टमेंट की बात करूँ सिर्फ जगह को छोड़कर, सबसे पहले मैं जगह की बात करता हूँ कि हमें आपके यहाँ पे हम जो सेटअप देने जा रहे हैं उसके लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 1200 स्क्वायर फुट से 1500 स्क्वायर फुट की जरूरत है। तो 6.5 लाख रुपए में हम लोग ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सर 6.5 लाख तो बहुत ज्यादा है। अगर हमारे व्यूअर्स
हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कोई डिस्काउंट वगैरह मिलेगा क्या? सर आप ये आज आप हमारी फैक्ट्री में आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग गाइड चैनल हमारे यहाँ पे आया है, तो आज के लिए हम लोगों ने इस सेटअप का कॉस्ट सीधा 1,00,000 रुपए कम करके, हमारा मुनाफा कम करके, हम 5.5 लाख रुपए में ये कंप्लीट सेटअप देना चाहिए।